इस वक्त की बड़ी खबर सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के पनियाडी गांव से आ रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट व गोलीबारी हुई है। तो बड़ी खबर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां भगवानपुर हाट प्रखंड के पनियाडी गांव में मामूली सी जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट व गोलीबारी हुई है। इस घटना में दो व्यक्तियों को गोली लगने की बात बताई जा रही है, जिसमें से एक महिला है और दूसरा पुरुष है। दोनों व्यक्तियों को गोली लगने के बाद आनंद फानन ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने दोनों की हालत काफी गंभीर देखते हुए सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। ग्रामीण लोगों ने बताया कि 10 से 12 की संख्या में अपराधी आए हुए थे और घर में एकाएक घुस कर बंदूक से फायरिंग करने लगे। इसी क्रम में एक महिला को गोली लगी और एक पुरुष को भी गोली लगी। तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर दो दो गोलियां पड़ी हुई हैं। वहीं ग्रामीण लोगों ने यह भी कहा कि अपराधी 10 से 12 की संख्या में 7 बाइकों से आए हुए थे। वहीं गोली चलने की आवाज जैसे ही स्थानीय ग्रामीण लोगों के कानों में पड़ी, वह दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन जब तक वह कुछ कर पाते तब तक अपराधी अपनी 3 बाइकों के साथ आसानी से फरार हो गए। वहीं 4 गाड़ियां घटनास्थल पर छूट गई। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इन 4 बाइकों को ग्रामीणों ने अपने कब्जे में रख रखा है। वहीं आपको हम बता दें कि भगवानपुर हाट थाना के थानाध्यक्ष पंकज कुमार अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इस खबर की भी पूरी अपडेट आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई नई और ताजा ताजा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसी तरह आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए न्यूज टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट। अच्छा ये बताइए, जो घटना घटी थी अभी गोली चली है यहाँ पे, कैसे क्या पूरा मामला क्या है? जी हम लोग अभी खाना खा के दोपहर का टाइम था, रेस्ट कर रहे थे घर में। कुछ लोग आए पीछे पेट्रोल डालने लगे पानी के ऊपर, बेड़ी तोड़ फोड़ करने लगे। आपके घर के पीछे? जी घर के पीछे, हमारे ये घर है और घर के पीछे करने लगे। घर में भी कोशिश कर रहे थे घुसने के लिए, मैं और अपनी मम्मी आए रोकने के लिए, रोकने के लिए आए थे हम लोग। तो उतने देर में 3 आदमी बंदूक निकाल लिए और फायर करना चालू कर दिए। जो बंदूक चली है, आखिर चली क्यों बंदूक? बंदूक ये जमीन के विवाद के लेके मदन शाह ने बुलाए थे दामाद को कि यहाँ जाके ऐसे कर दो काम। वो जमीन मदन शाह के भाई की है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते हैं। तो उस जमीन को आपने खरीदा क्या? जी हम लोग ने खरीदे थे, रजिस्ट्री कराए थे। रजिस्ट्री करा दिए जी? कागज पत्र जी सब कुछ है। तो ये बताइए, फिर जब जमीन आप लिखवा दी है, फिर वो आपका अटैक क्यों करना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती ये जमीन छोड़ दें, ये लोग छोड़ने के लिए बोल रहे हैं जी। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग रजिस्ट्री कराए हैं, पैसा देकर लिखा है, तो हम क्यों छोड़ो जमीन? तो ये जो गोली चलाई, ये लोग कहाँ के रहने वाले? ये मदन शाह के जगदीशपुर मोड़ के गोरिया कोठी प्रखंड के थे, जो उनके दामाद थे मदन शाह के। वो प्रशासन के साथ मुन्ना शाह थे, वो प्रशासन के साथ 4 बार आए हैं यहाँ पे। हम लोग का पूरा घर आदमी को पहचान के गए हैं। उसके बाद वो 12 से 13 आदमी को लेकर आए थे और 4 बाइक पकड़ाए थे। जो जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है उसको पहचानते हैं? जी हम उसको पहचान जी। क्या क्या नाम है उनका? उनका मुन्ना शाह नाम है और उनके कुछ साथी थे। कितने व्यक्ति आए थे? 13 व्यक्ति थे। और मामला में आ रहा है कि कुछ गाड़ियां भी तोड़ फोड़ हुई है? जी 4 गाड़ी हम लोग पकड़े हैं, 3 गाड़ी को कुछ आदमी भाग गए हैं और कुछ आदमी पैदल भाग गए। 7 गाड़ी से वो लोग आए हुए जी? काफी तादाद में लोग थे? जी काफी तादाद में लोग थे, कोई नहीं पहचान रहा था, सब कोई घर में रेस्ट कर रहे थे खाना खा के दोपहर। जिस गाड़ी को आपने पकड़ा, वो गाड़ी कहाँ? वो गाड़ी प्रशासन उठा कर ले गई बिना कुछ लिखे हुए। भगवानपुर थाना लेके गई है। हम लोग बोल रहे थे यहीं पे लिखिए, लेकिन बारा बाबू कुछ नहीं सुन रहे थे हम लोग को। और उसके पहले भी प्रशासन आई थी, वो बोल रहे कि हम FIR नहीं लिखेंगे। अच्छा ये बताइए, जब घटना घट गई थी उसके कितनी देर बाद थाना? घटना घटने के फोन करने के 1.5 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद यहाँ प्रशासन आई है। शिकायत किए थे, बोले थे कि बड़े साहब को बुलाओ, तो वो बोल रहे कि नहीं हम गाड़ी लेके जाएंगे ब्यास जी के द्वार पर। वो भी थाना में नहीं बोल रहे थे ले जाने के लिए, बोल रहे थे कि ब्यास जी के द्वार पर रख दो, हमारे ये गाड़ी रखवा दो। ओम प्रकाश जी के जो प्रशासन आए थे ले जाने के लिए,
उनके साथ जो व्यक्ति गोली चलाया ना चार बार आया हुआ है यहाँ पे। कितना गोली चला होगा यहाँ पे? 6-7 फायर हुआ है जिसमें से दो ही गोली मिला है। अच्छा, किन किन लोगों को गोली लगी है? एक हमारे चाचा के लड़के हैं अमरजीत और एक चाची है। पूरा नाम बताइए। श्याम सुंदरी देवी। चाचा का राम किशोर महतो। दो व्यक्ति गोली लगी है जी, और हमारे पड़ोस में रहते हैं बिरजेश यादव, उनको भी हल्का चोट लगा हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब गोली लगी तो क्या अभी वो कहाँ है? वो अभी भगवानपुर गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ से रेफर भी कर दिया है सिवान। लेकिन थाने में एफआईआर दर्ज करा दी कि नहीं? एफआईआर बोल रहे थे लिखने के लिए, लेकिन प्रशासन नहीं लिखा है। वो बोल रहे वो बार बार बोल रहे हैं कि थाना में चलो वहाँ एफआईआर लिखेंगे। आप क्या करना चाहेंगे? हम करना चाहते हैं कि यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया, दो मर्डर इसके पहले भी हो गया, लेकिन हमारे भगवानपुर प्रखंड के कोई प्रशासन कुछ भी नहीं किया। आते हैं सुन के चले जाते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं और पैसे भी बिक जाते हैं ये लोग। एक बात बताइए, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 6-7 गोली चली है और दो गोली मिली है, तो आखिरकार 4 या 5 गोली और गई कहाँ? खेतों में मिट्टी है, पानी है, उसमें चला गया है, अब उसे खोजे नहीं मिला। और बंदूक हम लोग उनसे छीनना भी चाहे लेकिन छीन नहीं पाए, फायर करने लगे तो हम लोग दूर थे, उठा के लेके भाग गए। जब श्री भगवान को पनियाडी।